हाय, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं तुलसीराम शर्मा एमएस एक्सेल की नई वीडियो लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कल की वीडियो हमने देखी थी और उससे आगे अपन आज चर्चा करेंगे। कल अपन ने देख लिया था, क्या देखा था कल अपन ने? अलाइनमेंट देखा था। कल अपन ने अलाइनमेंट देखा था, जिसमें अपन ये देखा था कल। आज अपन चर्चा करेंगे नंबर पे और सेल के अंदर। देखो भाई, नंबर में क्या होता है, जैसे इसके अंदर ही बता देता हूँ मैं आज आपको। ये 5,000 ये अमाउंट है। अमाउंट के अंदर अपन को आर एस आता है लिखा हुआ, आर एस, तो आर एस लिखना है। जैसे इसको सिलेक्ट किया पूरी सेल को और इधर जनरल के ऊपर क्लिक किया, इधर आ रहा है करेंसी, दिख रहा है आपको करेंसी, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो लिखा हुआ है भाई ये आर एस रुपए है। अब मैंने इधर यहाँ पे लिख दिया, टाइप कर दिया टाइम। टाइम भाई जो भी स्टूडेंट कब आता है कब जाता है, आने का टाइम और जाने का टाइम, कमिंग टाइम और गोइंग टाइम, है ना? दो प्रकार टाइम होते हैं, जैसे कब एंट्री ली और कब एग्जिट हुआ। तो टाइमिंग कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने पूरी रो को सिलेक्ट किया और जैसे मैं लिखू 2 बजे आ गया बंदा, 3 बजे आ गया, 3:30, 3:40, वैसे मैं लिख नहीं सकता, मैंने नॉर्मल फिगर लिख दिया 3 बजे। तो मैंने जैसे पूरी सेल को सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने बाद यहाँ जनरल आ रहा है। जनरल के अंदर रैप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है टाइमिंग, दिख रहा है टाइम आपको, तो टाइम पे क्लिक कर देना है। तो जैसे अब टाइम आ गया, इस पर आराम से अपन क्लिक कर सकते और फिल कर सकते हैं डेटा को, किस टाइम पे बंदा आया किस टाइम पे गया, तो आराम से फिल कर सकते हैं। टाइम के बाद में जैसे ये नंबर ऑफ पीस है, तो मेरे को ये जैसे 2% डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट है, परसेंटेज या साइन आता है ना, वो चाहिए मेरे को। तो इसको सिलेक्ट किया पूरी रो को और कॉल जनरल पे गया और परसेंटेज के ऊपर क्लिक कर दिया। आगे परसेंटेज लिखा हुआ ऐसे अपन लगाएंगे तो काम नहीं करेगा, ये काम करेगा। किसी बंदे ने बोला कि सर परसेंटेज की जगह कॉमा चाहिए मेरे को, करेंसी चाहिए, डेट चाहिए, डेट आ जाएगी इसमें। ये टाइमिंग का गया, अब डेट का देख लो भी, ये ठीक डेट का चाहिए, डेट का देख लो, सेलेक्ट करना है इसको और इस पे जाना है और डेट सेलेक्ट कर लेनी है ऐसे, है ना? ऐसे सेलेक्ट कर लेना है अपन को डेट, शॉर्ट डेट, और एक तो था शॉर्ट डेट, एक होता है लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे यहाँ डाला अपन ने, आ गया 001। ये नंबर में नंबर आएगा ही, जनरल में तो ये भी सी भी आती है और नंबर भी आते हैं, नंबर के अंदर ओनली नंबर आएगा। करेंसी मैंने बता ही दिया आपको, अमाउंट आएगा। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के अंदर फिगर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। शॉर्ट डेट और शॉर्ट लॉन्ग, लॉन्ग शॉर्ट डेट हो गया अभी बता ही दिया आपको, टाइम हो गया, परसेंटेज साइन बता ही दिया, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के अंदर आती है अपॉन के अंदर वैल्यू, जैसे 1/2, 1/2, ऐसे 1/2 किया तो वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर चल जाएगी। यहाँ से किया फ्रैक्शन, यहाँ से कस्टमाइज किया फ्रैक्शन, यहाँ से गया फ्रैक्शन किया फ्रैक्शन, आ गया मिडिल के अंदर 1/2 करते हैं वो। तो अपना ये कंप्लीट हुआ भाई। इसके अंदर जो फंक्शनलिटी थी वो मैं बता दी गई आपको, साइंटिफिक कैलकुलेटर में काम आता है, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर ना उसके अंदर काम आता है। उसके अंदर देखो, अब इसके अंदर क्या है, परसेंटेज आ रहा है, मेरे को परसेंटेज नहीं चाहिए कॉमा चाहिए, तो सेलेक्ट किया इसको, कॉमा आ रहा है, कॉमे के ऊपर क्लिक कर दिया, परसेंटेज हट गई अपनी। अब बंदा बोलता है सर परसेंटेज चाहिए, या तो अंदर से कर लो, अंदर से नहीं करनी है तो यहाँ से लगा लो, ठीक है? ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पे जैसे ये आ रहा है पॉइंट के बाद 2 जीरो आ रही है, कोई बंदा बोलता है सर मैं तो 3 फिगर में काम करता हूँ, पॉइंट के बाद 3 फिगर में, तो यहाँ से इंक्रीमेंट कर लो, 0 बढ़ा लो, ठीक है? 3 जीरो, 4 जीरो, जितनी जीरो बढ़ाना चाहते हो उधर इंक्रीमेंट कर लो, यहाँ से डिक्रीमेंट कर लो। ये इंक्रीमेंट के काम आता है, ये डिक्रीमेंट के काम आता है। कॉमा है अकाउंटिंग नंबर, ये
अपने काम नहीं आते एम एस एक्सेल के अंदर। तो ये पूरा नंबर सीरीज कंप्लीट हो गई अपनी। अब मैं स्टार्ट करता हूँ सेल के अंदर। सेल में आज इंसर्ट और डिलीट दो चीज सीखेंगे, कल फॉर्मेटिंग स्टार्ट करेंगे। मेन चीज फॉर्मेटिंग होती है, इसका पूरा एक वीडियो बन जाएगा मैं बता रहा हूँ। इंसर्ट के अंदर इंसर्ट पे क्लिक किया, जैसे मेरे को यहाँ गया मैं, ये सेल मेरी छोटी कर लेता हूँ मैं, है ना। फिट कर देता हूँ मैं। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर्मेटिंग का, जो मैं कल की वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। जैसे इंसर्ट है, इंसर्ट के अंदर इंसर्ट सेल, जैसे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ नेम, हम नेम क्या है, मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि फादर नेम इंसर्ट करना है मेरे को, तो क्या करूंगा मैं भाई। ये तो होती है रो, और ये होते हैं क्या होते हैं, ये तो होते हैं कॉलम, सी एन कॉलम, और ये होती है 1 2 3 रो। अब भाई मेरे को यहाँ फादर नेम इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा भाई, इसको ऐसे ड्रैग करूँगा तो खींचेगा नहीं, फिर यहाँ से डिलीट करो, फिर इसको डिलीट करो। इससे अच्छा तो मैं एक क्या कर लेता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ, क्या चीज़ कर लेता हूँ, इंसर्ट रो। यहाँ पे गया, होगी इंसर्ट रो, एक रो फादर नेम की होगी, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ एफ नेम, एफ नेम, हेलो एफ नेम डाल दिए। अब मेरे को लगा कि एक बंदा छूट गया अपना, यहाँ पे एक बंदे का रिकॉर्ड छूट गया अपना, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, अब मेरे को क्या ऐड करना है, कॉलम, तो वही इंसर्ट पे गया, इंसर्ट पे गया, इंसर्ट सेल, ये सेल हो गया कॉलम। अपन जिसको सेलेक्ट करेंगे वहां से वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। इंसर्ट के अंदर और क्या है, इंसर्ट सीट, मेरे पास यहाँ पे 4 सीट है, 1 2 3 4, और एक सीट इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट पे दबा दो, इंसर्ट सीट, ठीक है, नई सीट इंसर्ट कर देगा, इंसर्ट सीट, आगे 5वीं सीट। इसके बाद में क्या है, 5वीं सीट पहुंचा दी, जो अपने फ्रेश है, अपन काम कौन सी कर रहे थे, सीट नंबर 2 पे, ठीक है। देखो भाई इंसर्ट सेल हो ही गया, सेल के अंदर मैंने आपको बता दिया, इंसर्ट सेल में और बता देता हूँ आपको। सेल के अंदर देखो, ऐसे ये नाम है तुलसी, अब मेरे को इसको इधर शिफ्ट करना है, किधर, एफ नेम पे, तीनों नेमों को मेरे को एफ नेम पे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो मैं ऐसे, एक तरीका तो होता है कि मैं कट करूं, और दूसरा तरीका ये बता रहा हूं मैं आपको। इंसर्ट में गया, इंसर्ट सेल के अंदर गया, इंसर्ट सेल के अंदर गया, और शिफ्ट सेल शिफ्ट करना है अपन को, और सेल करना है, और किधर करना है, राइट में, तो शिफ्ट राइट पर टिक किया। अगर अपन को राइट पे नहीं करके लेफ्ट पे टिक करना हो, लेफ्ट पे जैसे यहां से नहीं करके अपन को इधर लेना हो, तो अपन को क्या करेंगे, नीचे करना हो तो डाउन पे, अपन को कर दिया, हो गया शिफ्ट अपना। सेकंड है, जैसे ये नाम है, अपन को यहां स्लिप नहीं करके अपन को नीचे लेना है, तो वही इंसर्ट पे गया, इंसर्ट पे जाने पे इंसर्ट सेल, इंसर्ट सेल पे एंटर, और रो नीचे आ जाएगा, आगे 3 रो नीचे। और कुछ डेटा डालना हो तो और इंसर्ट कर लो। अब अपन कॉलम लेने हैं, इंसर्ट में जाके इंसर्ट कॉलम कर देना, इंसर्ट कॉलम, आया कॉलम। अब अपन कहीं भी इंसर्ट, जो भी चीज अपन को इंसर्ट करनी है उसके लिए अपन ये काम कर लेंगे। अगला डिलीट, जो मैंने सेम प्रोसेस इंसर्ट के लिए बताई है, वही सेम प्रोसेस डिलीट पे काम करती है। डिलीट सेल, कोई भी सेल को डिलीट करना हो, ये बोलते हैं रो कॉलम करता है उसे बोलते हैं सेल। जैसे इस सेल को डिलीट करनी है मेरे को, सेलेक्ट किया और डिलीट पे गया, डिलीट सेल, पूरी सेल डिलीट हो गई, आरम पार से पूरी सेल डिलीट हो गई। डिलीट सेल कॉलम, कॉलम कौन से होते हैं, ए बी सी डी ई एफ आते हैं ना, कॉलम होते हैं,
पूरा डिलीट कर दिया कॉलम, ये कॉलम सेलेक्ट किया डिलीट कर दिया, गया कॉलम, नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या है ये कॉलम है, डिलीट करना है कॉलम को, डिलीट कॉलम, ठीक है। ये क्या चीज है, जैसे ये 5 नंबर आ रहे हैं, ये क्या है, ये रो है, इसको डिलीट करना है, सेलेक्ट किया डिलीट रो, हो गया डिलीट, डिलीट सीट रो, डिलीट हो गया। अब मेरे को पूरी सीट को डिलीट करनी है तो कैसे करूंगा, डिलीट पे गया, डिलीट सीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज परमानेंटली डिलीट दिस सीट, यू वांट टू कंटिन्यू, यस, पूरी सीट डिलीट हो गई। तो डिलीट के अंदर डिलीट सेल हो गया, डिलीट कॉलम हो गया, डिलीट रो हो गया, डिलीट सीट हो गई। इंसर्ट के अंदर भी इंसर्ट करना सिखा दिया आपको और डिलीट करना सिखा दिया। तो आज की वीडियो में अपन ने जनरल के अंदर नंबर इंसर्ट करना, डेट इंसर्ट करना, टाइम इंसर्ट करना, परसेंटेज का साइन इंसर्ट करना, कॉमा लगाना, फ्रैक्शन लगाना, डेसिमल के बाद संख्याओं के जीरो बढ़ाना, जीरो घटाना, सेल इंसर्ट करना, रो इंसर्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना, सेल डिलीट करना, रो डिलीट करना, कॉलम डिलीट करना, आदि सब कुछ अपन ने इस वीडियो में आज सीखा है। और अगली वीडियो में अपन फॉर्मेटिंग सिखाऊंगा मैं आपको, क्या चीज फॉर्मेटिंग, ये है ना फॉर्मेटिंग, जो भी सबसे महत्वपूर्ण है एमएस एक्सेल के अंदर, फॉर्मेटिंग और कंडीशन फॉर्मेटिंग, इसके अंदर पूरा जो भी अपना काम होता है, किसका काम, जो मोबाइल कंपनी है ना, टेलीकॉम कंपनी, उसके अंदर जो भी काम होता है सब इसके अंदर ही होता है, जो भी फॉर्मेटिंग और कंडीशन फॉर्मेटिंग सिखाऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये वीडियो में अपन कल देखेंगे इसको। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच। बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और प्रैक्टिस करते रहना मेरे साथ साथ, नोट्स बनाते रहना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, थैंक यू वेरी मच।